कांग्रेस के परिवार का हम पीढ़ी दर पीढ़ी हिस्सा हैं और कांग्रेस के उतार चढ़ाव शैलजा जी, इनके पिता, मेरा परिवार, हम सब देखते आए हैं। और विषम से विषम परिस्थितियों में जब सब लोग पार्टी को छोड़कर चले गए, तब भी हम कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को हरियाणा में जिंदा रखा। मैं शैलजा जी आज उन्हीं कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की वेदना, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी चर्चा अध्यक्ष जी से करने आए हैं। हमने अपनी बात पूरी तरह से उनके समक्ष, संगठन महासचिव जी के समक्ष रखी। परिवार की चर्चा परिवार में ही होगी, उससे बाहर उससे ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं। पर जिस प्रकार से एक ऐसा प्रांत जो कांग्रेस जीत रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग उस प्रांत में बिखराहट पैदा करना चाहते हैं, वो कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता। कोई कांग्रेस के घर को तोड़ने का प्रयास करे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर, नजरअंदाज कर, निराशा की हताश होकर छोड़ दे, ये कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में हमने कांग्रेस की सेवा की है, सदा करेंगे। उस वेदना और पीड़ा को कांग्रेस अध्यक्ष जी तक और कांग्रेस के संगठन महासचिव तक पहुंचाने का दायित्व शैलजा जी का, मेरा, हम सबका है और हम उस दायित्व को निभाने के लिए आए। सर, दर्द तो आपने बता दिया है, क्या दर्द के इलाज, दर्द की दवा के बारे में? हमें खड़गे साहब पर संपूर्ण विश्वास है। देखिए, राजीव जी ने अपने खून पसीने से हरियाणा को सींचा था जब वो महम गए थे। राहुल जी ने सैकड़ों किलोमीटर हरियाणा में पदयात्रा की और केवल ये नहीं, उनका एक अपना लगाव है। सोनिया जी ने जब किसान देश में आत्महत्या कर रहा था तो उसकी अलख जगाने की शुरुआत जब हम विपक्ष में थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन दिनों मैं विधायक का चुनाव लड़ता था और 30 साल पहले मेरी विधानसभा से वो शुरुआत की थी। आज सोनिया जी की कांग्रेस, राहुल जी की कांग्रेस, खड़गे जी की कांग्रेस, कांग्रेस के कार्यकर्ता की कांग्रेस, आज वो दर्द से कराह रही है। आज उसे अथाह वेदना है, अथाह पीड़ा है। उसके निराकरण के लिए स्वाभाविक तौर से हम पार्टी के परिवार के मुखिया के पास ही जाएंगे और उस वेदना की व्याख्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।